साद अफजाल अंसारी की तीखी बहस हुई, मिट्टी देने को लेकर यह बहसबाजी हुई जिसमें अफजाल अंसारी की तरफ से कहा जा रहा था कि कोई भी मिट्टी देने आ सकता है भले ही धारा 144 क्यों ना लगी हो, लेकिन वहीं डीएम इस बात पर अटल थी कि केवल और केवल परिजन ही कब्रिस्तान जा सकते हैं, मिट्टी दे सकते हैं। तो डीएम ने नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की बात की कही। आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको आप करिए, आप करिए मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा, इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद गाजीपुर की जनता की राय जानी हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। मुख्तार अंसारी को कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है और लगातार जो यहां के लोग हैं वो मिट्टी देकर लौट रहे हैं। मिट्टी दे दी आप जी? कितना इंतजार करना पड़ा? 2 घंटा जी। जी मिट्टी दे दी आप? जी आप हमने दे दिया। कितना इंतजार करना पड़ा? मिट्टी घंटा तकरीबन इंतजार करना पड़ा जी। कुछ तरह की यादें जुड़ी हैं मुख्तार के साथ? मुख्तार अंसारी से बहुत ज्यादा यादें जुड़ी है। एक अच्छे आदमी थे वो, भले उनको जिस नाम से लिया गया पर वो एक अच्छे इंसान थे, भले लोग गलत समझते हो उनकी सोच है वही सब बात है। मिट्टी देके आ गया? जी मिट्टी देके आ गया। इंतजार करना पड़ा मिट्टी देने के लिए? मिट्टी के कम से कम 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ा है। काफी धक्का मुक्की भी हो रही थी ना? अब तो ठीक है, तो लोग कम हो गए हैं, ज्यादा लोग थे तो वैसे धक्का मुक्की तो होना ही है। तो ये लोग बता रहे हैं कि जो लोग मिट्टी देकर के वापस आ रहे हैं, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। मिट्टी दे दी आपने? हाँ मिट्टी दे दी। बहुत कितना देर इंतजार कर रहे हैं किया उसके लिए? 1.5 घंटा इंतजार देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब तो मुख्तार अंसारी याद हो गए पर आने वाला दिन चुनाव का है, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? चुनाव का जो प्रक्रिया होगी प्रशासन के द्वारा देखा जाएगा कैसे दिया जाएगा, वो तो किस प्रत्याशी को कैसे है तो बताएगा, वक्त बताएगा। क्या दिखाई देता है? मुख्तार अंसारी तो अब यादों में है पर अब मुख्तार अंसारी के बाद जो चुनाव अब चुनाव में होने वाले हैं, किस तरीके से चुनाव का देखना है? तो जनता पर डिपेंड है, ये तो जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। आप लोग भी तो जनता ही है। जनता हम लोग है, अब हम लोग अपना मानसिकता किसको बताएं, हम कहाँ रहेंगे क्या करेंगे? आप तो जानते ही हैं किसके दिल में क्या चल रहा है। आज का माहौल आपने देखा कि कैसा माहौल है, ये लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, किसको चुन सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ के पूरा जन जन में ये चलता है कि फाटक से लोग जुड़े हैं, उनकी मोहब्बत है उन लोगों के, मसीहा का मतलब ये है कि इनके हर गरीबों के देखने वाले सुनने वाले ये लोग हैं। अब इसको जैसे लोग आज के बाद करें क्या करेंगे जनता जानती है, हम किसको किसको कहें। इतने लोग आए हैं, कुछ मोहम्मदाबाद से आए हैं, कुछ मऊ से आए हैं, कुछ आजमगढ़ से आए हैं, कुछ बनारस से लोग आए हैं, इनकी मोहब्बत है। मुख्तार अंसारी की कब्र खोदने वाले व्यक्ति से बात की हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने, कब्र खोदने वाले व्यक्ति का क्या कुछ कहना है आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ वो शख्स है जिन्होंने मुख्तार अंसारी की कब्र खोदी है। कितना बड़ा कब्र था, कितना गहरा था? 7.5 फुट लंबी थी, 5.5 फुट लंबी चौड़ी। और कितना वक्त लगा इस कब्र को खोदने में? कल 8:30 बजे से खाने दिन भर लगा था। अच्छा वो कब्र कहाँ बनी थी? मुख्तार अंसारी की जो परिजन अगल बगल है उनकी माँ की बगल में माँ है। किसकी कब्र? पूरा खानदान घर के कब्र, उनकी बाबूजी की भी है और खानदान की है कब्र। अच्छा ये जो पूरा सुपुर्द खाक का ये था, कितना देर में कंप्लीट हुआ ये सुपुर्द खाक का आयोजन? कितना 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 देर में कंप्लीट हुआ? दिन भर लगा है तो जोड़ लीजिए। और उसके बाद अब आप लोगों ने कब्र पूरी तरह से पाट दिया? हाँ बस पाटे हैं आज। उसके बाद फिर कोई आयोजन होता है उसके बाद भी कुछ करेंगे, स्मारक बनाएंगे बनेगा, कुछ कहा गया अभी आप लोगों को? नहीं। क्या नाम है? संजय बीन। वीडियो जर्नलिस्ट सेवा मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 मोहम्मदाबाद। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता महेंद्र राजभर ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा कहा है, साथ ही मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। तो बता दें आपको कि